हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज हम लोग जा रहे हैं बनारस के कुछ मशहूर टेंपल्स में, जो कि है संकट मोचन और दुर्गा मंदिर। तो पहले हम लोग चलते हैं संकट मोचन की तरफ। यहाँ पे ये बाहर संकट मोचन के कुछ स्टॉल्स लगे थे जहाँ से आप प्रसाद और फूल ले सकते थे। ये है संकट मोचन का मंदिर। हम लोग को इस मंदिर के अंदर कुछ भी शूट करना अलाउड नहीं था, इसलिए हम लोग ने अपना फ़ोन बाहर इस लॉकर में जमा कर दिया था, जो कि फ्री है। इस मंदिर के बाहर जो प्रसाद मिलता है, उसमें बेसन का लड्डू बहुत फेमस है यहाँ का, क्योंकि वो बहुत टेस्टी होता है। एक फैक्ट की बात कि इस संकट मोचन मंदिर को तुलसीदास ने इस्टेब्लिश किया था इन अर्ली 16th century। तो उस मंदिर में ज़्यादा कुछ शूट करना अलाउड नहीं था, तो हम लोग कुछ शूट नहीं कर पाए, इसके लिए सॉरी। और उसके बाद हम लोग उस मंदिर से दुर्गा मंदिर की तरफ निकल लिए ऑटो से, क्योंकि हम लोग के पास टाइम कम था। As you all can see, the weather was too good that day। और हाँ, ये दुर्गा मंदिर का बाहर का व्यू है। तो मंदिर में घुसने से पहले ही हम लोग को अपने फुटवेयर्स निकाल देने होते हैं, और एंटर करते ही हम लोग के सामने ऐसा कुछ व्यू रहता है। तो ये मंदिर भी अंदर से काफ़ी बड़ा है, और ये व्यू हम लोग ने साइड से कैप्चर किया था। सो सम फैक्ट्स अबाउट दिस टेम्पल। दिस टेम्पल वॉज मेड अप्रॉक्सीमेटली 300 ईयर्स अगो। दिस टेम्पल वॉज मेड इन नगाड़ा स्टाइल, एंड ईच एंड एवरी वॉल्स ऑफ दिस टेम्पल आर पेंटेड रेड। बिकॉज ऑफ दिस इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव। तो मैं यहाँ पे ये बता रही थी कि इस मंदिर के जस्ट पीछे एक कुंड है, जिसको हम लोग दुर्गा कुंड कहते हैं, जो रात में बहुत सुंदर लगता है, और इसमें बहुत सारे फाउंटेन्स भी हैं। तो मैं उसके रात की फ़ोटोज़ यहाँ पे लगा देती हूँ। इट इज़ टू बी बिलीव दैट द डीटी ऑफ दिस टेम्पल वर ओनली एंड ओनली मेड बाई फीमेल। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस व्लॉग, एंड आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन, बाय बाय एंड स्टे सेफ।